अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी आदि खान, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का जो व्लॉग है वो है ज़रा थोड़ा सा खूबसूरती के हवाले से, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मुंह है, ये जो फिटे मुंह हुआ है इस टाइम पे, ये सीधा कैसे होगा। तो हम जा रहे हैं एक जगह पे जहाँ पे होना है मेरा हाइड्रा फेशियल। जगह जो है वो मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। जगह जो है ओए शहद की मक्खी गई। जगह जो है वो थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ जा रहे हैं। तो बस तैयारी शैयारी हम लोगों ने पकड़ ली है, हम लोग इस टाइम पे तैयार हैं और चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। देखें, ये चेक करें, माशाल्लाह गाय पड़ी हुई है। चलो जी, हम आ गए अपनी टार्जन में। इसकी टांगे नीचे करते हैं पहले, तुम खड़ी आराम करो। टार्जन इज फीलिंग कोल्ड राइट नाउ, लेट हिम गरम गरम, देन वी विल मूव। खोलो बेटा। आंटी खोल दिया था? नहीं। आप जरा लड़े नहीं ना इसके साथ, जरा दो मिनट दें। चलो रुके, अब खोले। आइए, आपका इंतजार था। खान साहब आओ का ना। खान साहब हेलो बोलो। खान साहब अभी अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। हेलो गाइस। सो जी, मैं आ गया हूँ ब्राइट स्टार क्लिनिक में और अभी मैं आपको दिखाता हूँ इनके पास हैं यहाँ पे। ये लोग करते हैं हाइड्रा फेशियल, अल्ट्रासाउंड, जितने जितने नजर आ रहा है बोलता रहूँ तो लंबी हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ बस क्या क्या है। ये तो भैया हमारे वकार भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे आप सब? ठीक हैं? हमारे पास ऑल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। लेज़र है, हाइफो है, इसके अलावा डर्मा वर्जन है। और ट्रीटमेंट्स हमारे पास की जाती हैं। हमारे पास डॉक्टर अशोक कुमार मौजूद हैं, फीमेल डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। जिसका भी कोई प्रॉब्लम है स्किन का हमारे पास आए। ये हाल ही में भी हमारे पास आते हैं, इनका भी हम ट्रीटमेंट यहीं पर होता है। इनका सारा ट्रीटमेंट जो इनका ट्रीटमेंट किया है वो भी आपको दिखाएंगे। भी करते हैं और बालों वालों का बताएं, हेयर्स का। हेयर्स का भी अगर किसी का हेयर फॉल है तो वो भी हम कर रहे हैं। हेयर विक्स भी लगा रहे हैं हम लोग और हेयर ट्रांसप्लांट भी कर रहे हैं। अच्छा। हेयर्स के भी हम ऑल ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं। चलो जी, अभी हम आगे अपना शुरू करते हैं तो फिर आप लोगों को बताते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस गुजरा है मेरा। खैर, अभी आगे आपको दिखाता हूँ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। क्या करने लगे हैं हम लोग? हाइड्रा फेशियल करने जा रहे हैं। पहले हम क्लींजिंग कर रहे थे, क्लींजिंग हाइड्रा फेशियल से पहले क्लींजिंग की है, अब हम हाइड्रा फेशियल करने जा रहे हैं। चलो आप लोग तब तक टाइम लैप्स देखो। क्या चीज़ है ये? पूरी आपकी स्किन की सक्शन हो रही है, डीप क्लीनिंग हो रही है। अब क्या है? फुल फेस का मसाज करने का। अच्छा, इससे जो है ना, हम जो आपके चेहरे की फाइन लाइंस होती है ना, हाँ, ये उसके लिए भी बहुत बेस्ट है। अच्छा, एक्ने के लिए भी बहुत बेस्ट है। क्या कर रहे हैं अब हम? हम सीरम अप्लाई करने जा रहे हैं स्किन पे। ये डीपली जो है ना, डीपली ये सीरम है स्किन का। ये डीपली जो है स्किन में जो हमारी
डल स्किन है ना उसको ब्राइटनेस के लिए होता है। जब सीरम को अब्सॉर्ब कर रहे हैं ब्राइटनिंग सीरम को अब्सॉर्ब कर रहे हैं, चिट्टा हो जाऊंगा अपना। आज आपके पास आके मेरा मुंह इतना बड़ा लग रहा है ना मुझे, ये कंप्लीट हो जाएगा फिर आपने अपने फैंस को, अपने फैंस को दिखाना है। आपकी स्किन जो ग्लो करेगी वो आपने आंखें ही नहीं खुलेंगी लोगों को, इतना चमक मारूंगा आज मैं नहीं मानता। ये क्या चीज है? ये RF है, रेडियो फ्रिक्वेंसी, इससे स्किन टाइट होती है। तो जी अब हम अपने फाइनल मरहलों पे आ गए हैं भाई के, कुछ और लेने कि मास्क वास्क है, तो अभी आपको और दिखाता हूँ। मुँह पे थोड़ा अच्छा अच्छा फील तो हो रहा है लेकिन साथ साथ दिखाता हूँ आपको। अब हम क्या लगाने लगे हैं? अब हम मास्क लगाने लगे हैं। लगाए जी ने मास्क अप्लाई कर दिया है। अब जितनी भी स्किन में जो डल स्किन है, डेड स्किन है, वो सारी इससे ठीक हो जाएगी और एक्ने के लिए भी बहुत बेस्ट है। ओपन पोर्स भी इससे क्लोज हो जाएंगे। तो अब हम 10 मिनट तक इस मास्क को अप्लाई करके रखेंगे, 10 मिनट्स। 20 मिनट्स लेटर मास्क उतर गया हमारा। अभी स्किन देख सकते हैं आप लोग, ग्लो कितनी कर रही है मेरी। और बस अभी ये उठते हैं तो फिर आपको पूरा जो है ना आफ्टर रिजल्ट्स दिखाता हूं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। यस जी, वी आर डन विद द प्रोसीजर। और अभी थैंक यू वकार भाई इतना खूबसूरत बनाने के लिए। तो अभी ये स्किन जो है मेरी बड़ी, मैं बड़ा रिफ्रेशिंग सी फीलिंग आ रही है कि बड़ा स्किन जो है ना रिफ्रेश हो चुकी है। तो अभी आपको कल भी मैं आपको कहता सुबह एक स्टोरी में अपनी शक्ल दिखा दूँगा कैसी कैसे इफेक्ट्स आए। तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि जितने भी मेरे आए बैठे होकर, जितने भी मेरे दोस्त हजरात हैं, जितने भी मेरे फैंस हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे यही अपना उनको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों को अपनी स्किन पे इनके पास इक्विपमेंट भी पूरा, इनका स्टाफ भी पूरा है। अगर आप लोगों को भी कोई है स्किन का प्रॉब्लम है, स्किन का सोल्यूशन चाहते हैं, तो वकार भाई से रब्ता करें। इनका नंबर मैं यहीं पर दे दूँगा स्किन पर, और आए अपने आप का अपना चेहरा निखारें। ये जो है बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए, कोई वो नहीं है कि सिर्फ स्पेसिफिक स्किन क्लिनिक है, बॉय गर्ल्स दोनों ही आ सकते हैं। क्लिनिक्स पे तो आपको पता है बॉय गर्ल्स दोनों ही होते हैं। तो इनकी जो लोकेशन, इनका नंबर जो है वो मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा, और यहाँ पे भी कहीं ना कहीं पे आ रहा होगा नंबर इनका, यहाँ पे आ रहा होगा। और इंस्टाग्राम है जी, इंस्टाग्राम वगैरह सब मैं इनका जो है वो नीचे लिख दूँगा। तो आप लोग आइएगा, DHA फेस टू एक्सटेंशन में इनका क्या कहते हैं ये क्लिनिक है। सो थैंक यू सो मच वकार भाई, वंस अगेन आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। 2000 years later क्या हाल है भाई जान, कैसी हैं आप, खुश हैं आप, फिट हैं? फेशियल करवा के आ रहा हूँ, खूबसूरत लग रहा हूँ, बहुत अच्छी लग रही है, प्यार ना हो जाए तो मैं भी लेके जाऊँगा। मैं यार गाइस मैंने सोचा कि यार खूबसूरती के बाद जरा दानियाल के पास चलते हैं, उसको दिखाते हैं कि मुँह कितना चमक रहा है। अब हम दानियाल का मुँह चमकाएंगे इंशाल्लाह एक दो दिन में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आई होप जी आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाज़त। आज का व्लॉग जो था हमारा स्किन केयर के ऊपर था, जिसमें हम गए हाइड्रा फेशियल करवाया हम लोगों ने, और
मरम्मत करवाई अपनी शक्ल की। खैर तो अपने भाई को दीजिए इजाज़त, टिल नेक्स्ट टाइम, मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। ओके बाय बाय।